भागलपुर पुलिस ने सोशल मीडिया पर भगवान श्री राम के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक की पहचान इसाकचक थाना क्षेत्र के बरहपुरा निवासी नाजिर हुसैन के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक ने कथित तौर पर अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट पर भगवान राम के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस घटना ने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं पैदा की, जिससे अधिकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया। वहीं सोशल मीडिया पर विवाद बढ़ता देख पुलिस अधिकारी एक्शन में आए और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। भागलपुर के जगदीशपुर थाने में आगामी दुर्गा पूजा की तैयारियों पर चर्चा के लिए शांति समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता इंस्पेक्टर और थाना अध्यक्ष गणेश कुमार ने की। वहीं बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी रघुनंदन आनंद भी मौजूद थे। बैठक में अध्यक्ष समेत मेला समिति के विभिन्न सदस्य शामिल हुए। वहीं चर्चा के दौरान थाना प्रभारी ने लोगों से शांति बनाए रखने और त्योहार के दौरान भीड़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान रखने का आग्रह किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि सामुदायिक स्वयंसेवकों के सहयोग से दुर्गा पूजा पंडालों और मेला मैदान जैसे प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाएगी। मेला समिति के सदस्यों से सुझाव भी मांगे गए। वहीं समिति के सदस्य भारतीय भूषण झा ने सुझाव दिया कि यातायात की भीड़ से बचने के लिए मुख्य बाजार में स्टॉल एक निश्चित बिंदु से आगे नहीं बढ़ने चाहिए और इसके लिए स्थानीय पुलिस की सहायता मांगी गई। इस अवसर पर कई प्रमुख अधिकारी और स्थानीय प्रतिनिधि उपस्थित थे, जिसमें उप निरीक्षक रामचंद्र यादव, बम बम कुमार और हरिनंदन कुमार के साथ साथ घनश्याम मंडल, शत्रुघ्न कुमार और अनिरुद्ध महतो जैसे सामुदायिक नेता भी शामिल थे। और साथ ही शांति पूर्वक मनाने के लिए अपील भी करता हूँ। ये हमारे यहाँ का इतिहास रहा है कि हम लोग शांति से दोनों समुदाय के लोग हम उनके पर्व में वो हमारे पर्व में कंधे से कंधे मिला के चलते हैं, तो उसी का परिचय इसमें आपको देना है जिनसे। हालांकि भागलपुर पर एक बदनुमा दाग लगा है 1989 का, इससे सभी लोगों के जहन में ये बात तो भर कर गया है कि वो इससे बहुत गलत था। अब जो आने वाली पीढ़ी है या वर्तमान पीढ़ी है उस त्रासदी के दम को भूला नहीं है और वो इतिहास कभी भुलाने वाला यहाँ नहीं है। ये हर एक युवा के मन में, हर एक विधा के मन में जो उस दौर को देखा उसको याद है। तो इस गंगा जमनी तहजीब का आप परिचय देते रहे हैं और मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी होने के नाते प्रखंड प्रशासन की ओर से, थाना की ओर से मैं अपील करूंगा कि उसी का परिचय आपको देना है और अमन चैन के साथ इस पूजा को मनाना है। भागलपुर रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक विवेकानंद से एक सिपाही ने लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें एक थानेदार पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया है। दरअसल मामला बांका जिले के धनकुंड थाने से जुड़ा हुआ है। धनकुंड थाना क्षेत्र के बबरा गांव निवासी मोहम्मद अशफाक आलम ने शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि थानेदार मंटू कुमार उसे झूठे केस में फंसाने की साजिश कर रहे हैं और रिश्वत की मांग कर रहे हैं। अपने आवेदन में अशफाक आलम, जो वर्तमान में अपने दो भाइयों के साथ भारतीय सेना में सेवारत है, ने आरोप लगाया है कि थानेदार और उसके सहायक रीडर कृष्ण कुमार गुप्ता इस गलत काम में शामिल हैं। अशफाक ने अपनी शिकायत के साथ पूरी घटना का वीडियो भी प्रस्तुत किया है, जिसमें डीआईजी से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। आज सर हम डीआईजी साहब के पास भागलपुर आए हैं। मामला धनकुंड थाना का है। धनकुंड थाना में एक झूठा केस दर्ज हुआ था मेरे भाई के खिलाफ। उसी के एवज में हम थाना प्रभारी मंटू कुमार धनकुंड थाना से मिलने गए, तो थाना प्रभारी जो है हमको इंस्पेक्टर साहब के ऑफिस में रीडर से मिलने के लिए बोला। जब हम रीडर से मिलने के लिए राजौन इंस्पेक्टर ऑफिस में गए तो 15,000 रुपया हमसे घूस का मांग किया, जिसका हम वीडियोग्राफी भी किए हुए हैं। इंस्पेक्टर भी दरोगा मंटू कुमार, इंस्पेक्टर रंजीत कुमार और रीडर उसका, तीनों मिल करके हमको 15,000 रुपया मांगा है और बोला है पैसा नहीं दोगे तो बुरी तरह से फंसोगे। इसके बाद हम जो है थाना प्रभारी हमको बोला कि जो केस की है उससे आप मायागंज में जाके मिलिए,
उनसे हम मायागंज में मिले तो वो हमसे 2 लाख रुपया मांगी और जो है बोली कि रहे तो तुमको भी हम फंसा देंगे। उस हम, वो हमसे पैसा भी कुछ लिए है, उसका भी हम वीडियोग्राफी किए हुए हैं। थाना प्रभारी बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से हमेशा चलते हैं, अवैध वसूली रोड पर करते हैं सर, और कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। डीआईजी सर के पास मिलना है तो क्या कुछ मिला? डीआईजी साहब को हम आवेदन दिए हैं विथ पेन ड्राइव के साथ, एविडेंस वीडियोग्राफी के साथ। डीआईजी साहब के यहाँ से हमको आश्वासन मिला है कि इस पे कार्रवाई की जाएगी। मामला क्या था? मामला था मेरे भाई के ऊपर झूठा FIR कराया गया है धनकुंड थाना में, बीवी गुलशन आरा के द्वारा। थाना प्रभारी ही सुने घर में उसको सूचक बना के कि सर झूठा FIR दर्ज किया है। हमारे भाई भी उस जो है हमारे पिताजी बीमार थे सर, एक सभी लोग कलकत्ता में थे, यहाँ घर में कोई थे नहीं। जबरन पुलिस घर घुस करके बुढ़िया को सूचक बना करके झूठा FIR दर्ज किया है सर, और मेरे घर से पुलिस जो है 80,000 रुपया भी चोरी करके मेरा भाई का जो है लेके थाना आया है। हम लोग के सर न्याय के लिए जो है DIG साहब के पास आए हैं। यहाँ से सर बोले हैं कि आवेदन जमा कीजिए और एविडेंस के साथ दीजिए। हम सब सबमिट कर दिए हैं, पेन ड्राइव के साथ, वीडियोग्राफी का भी, और सारा एविडेंस के साथ आवेदन दिए हैं सर। क्या अब, करते हैं भाई आपके? भाई मेरे फौज में है सर, आर्मी में जूनियर कमीशन ऑफिसर के पद पर जो है सर कार्यरत हैं। कहाँ पर? अभी पंजाब में है सर मेरे भाई। आप क्या करते हैं? हम भी सर भारतीय सेना में हैं, हम आर्मी मेडिकल कोर में हैं। हाँ, मेरा नाम मोहम्मद अशफाक आलम हुआ सर। कहाँ के रहने वाले? हम बबूरा के रहने वाले हैं सर। भागलपुर के सुल्तानगंज में श्री श्री 108 पंडाली शिव दुर्गा पूजा समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष तरुण कुमार शाह और उपाध्यक्ष अभिनव पोद्दार ने की। बैठक में समिति के अन्य सदस्यों ने भाग लिया। वहीं बैठक में निर्णय लिया गया कि इस वर्ष श्री श्री पंडाली शिव दुर्गा मंदिर में दुर्गा पूजा समारोह में चित्रकूट का दृश्य दिखाया जाएगा। इस प्रस्ताव को सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से समर्थन दिया। वहीं बैठक में समिति के सदस्य मुकेश कुमार, सोनी महलदार, मुन्ना चौधरी, सियाराम शाह, मुन्ना रजक, सोनू पुद्दार, राजेश पुद्दार, गुंजन कुमार, कुणाल जायसवाल और प्रदीप बंगाली समेत अन्य लोग मौजूद थे। आज 108 पंडाली दुर्गा पूजा समिति का आम सभा हो रहा है, जिसमें उपाध्यक्ष के द्वारा जो है किस प्रकार पूजा संपन्न किया जाए, और हमारे यहाँ इस बार जो है थीम हमारा जो पंडाल का रहेगा वो जो है त्रिकुटी पहाड़ के रूप में रहेगा, जो पूरे बाजार का शोभा और थाना रोड मोदी टोला का शोभा बढ़ाएगा और सुल्तानगंज का नाम ऊंचा करेगा। ये हमारा जो है पर्व है और पूजा है, जिसे बहुत ही श्रद्धा और से मनाया जाता है, और इस बार हमारा 11वीं वर्षगांठ है। 11 साल मतलब 10 साल पूर्ण हो चुका है, 11वीं साल इस बार दुर्गा पूजा जो है थाना रोड में हो रहा है। इसलिए सभी का सहयोग चाहिए और पूजा को पूर्णतः अच्छे ढंग से और सद्भावना के साथ पूर्ण करना है।